आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। कृषि उपज मंडी सिवनी की हम यहाँ पर खड़े हुए हैं और कृषि उपज मंडी के कर्मचारी बहुत ज्यादा आक्रोशित हैं मंडी सचिव के व्यवहार से। मंडी सचिव के द्वारा कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार किया जाता है, महिला कर्मचारियों के साथ भी जो उनके बर्ताव है वो इनका कहना है कि उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मौखिक रूप से उच्चाधिकारियों को बताने के बाद अब इनके द्वारा लिखित तौर पर भी बताया गया। जिला कलेक्टर और भार साधक अधिकारी दोनों को इसकी जानकारी दी गई है। कर्मचारी हमारे साथ यहाँ हैं, आइए हम कर्मचारियों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या वास्तव में हो क्या रहा है और इनके साथ समस्या इनकी क्या है। इस संबंध में हम क्या मामला आप लोगों का क्या है यहाँ पर? मामला ये है कि सिवनी मंडी सचिव श्री AK परिहार जी द्वारा हमारे कर्मचारियों से अमर्यादित भाषाओं में बात करते हुए उनके आत्मसम्मान के ठेस पहुंचाते हैं और कार्य के दौरान उन्हें अनावश्यक रूप से जो है अमर्यादित, मतलब क्या अश्लील शब्दों का या हाँ, फिर जो शब्द नहीं बोलना चाहिए, जो अधिकारी की जो मर्यादा रहती है कर्मचारी के प्रति, ये शब्दों का उपयोग ना करते। नहीं, देखिए दो चीजें होती हैं, एक तो ये कहा जाए कि कार्यालयीन जो शब्द हैं उनका उपयोग नहीं होता, दूसरा अश्लील शब्दों का उपयोग। कार्यालयीन कार्य से हटके अन्य विषयों पे बात करते हुए ये कर्मचारियों को मानसिक रूप से बात करके प्रताड़ित करते हैं। तो जैसे महिला कर्मचारी भी यहाँ हैं तो महिला कर्मचारियों के साथ भी यही किया? हाँ, यही किया है और ऐसे तमाम कर्मचारियों के साथ में ऐसी कब से ये विगत चार पाँच महीनों से ऐसी प्रकार की प्रक्रिया चल रही है। मैंने मंडी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष के नाते उनको व्यक्तिगत रूप से निवेदन किया, आग्रह किया कि कर्मचारी भी आपके परिवार के सदस्य कहलाते हैं, आप संस्था के मुखिया कहलाते हैं, आप कर्मचारियों को मानसिक रूप से जो है इतना तनाव ना दें जिससे कर्मचारी जो है तनावग्रस्त अपना जो है। देखिए दो तरह की बात होती है, या तो एक तो कर्मचारी काम नहीं करता है तो तनाव में आएगा, और काम करता है और जबरदस्ती उसे टोका जाए तो तनाव में आएगा। काम कर रहे हैं कर्मचारी पूर्ण निष्ठा से, ईमानदारी से मंडी की आय और आवक बढ़ाने में भरपूर सहयोग कर रहे हैं और पूरे तन मन धन से जो है पूरे 10 से 12 घंटा काम करते हैं, इसके बावजूद भी उनके द्वारा अब शब्दों का प्रयोग करते हैं। पिछले सालों में मंडी की जो लक्ष्य था वो पूरा होता आया, उससे ज्यादा हुआ है। लक्ष्य से ज्यादा होने के बाद भी इनके द्वारा परेशान किया जा रहा है। तो किसी कर्मचारी के द्वारा इसकी शिकायत की गई पूर्व में जो है ना, कर्मचारी ने भी आक्रोश जाहिर किया था। मैंने मंडी अध्यक्ष कर्मचारी संघ के अध्यक्ष के नाते उनसे निवेदन किया और कर्मचारी को भी समझाया, किंतु कर्मचारियों का अभी जो वर्तमान में जो स्थिति है, कर्मचारियों का कहना ये है कि सचिव साहब किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। यदि आप लोग कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि होने के नाते आप यदि कुछ नहीं करना चाहते तो हमें अपने ऊपर छोड़ दीजिए, हम अपने स्तर से कार्रवाई करते हैं। प्रश्न हमारा अभी भी यथावत है जिसका उत्तर नहीं मिला। उच्चाधिकारियों को इसकी जानकारी दी? मौखिक रूप से उच्चाधिकारियों को जानकारी दे दी गई और लिखित तौर पर? लिखित तौर पे अभी जो है नहीं दे पाए थे, जो अभी हमने विगत 2-3 दिन में अभी दे दी गई। जिला कलेक्टर से भेंट हुई? कलेक्टर साहब से मुलाकात नहीं हुई, हमने जिस दिन ज्ञापन लेके गए थे कर्मचारी सारे गए थे, शनिवार का दिन था, कलेक्टर साहब से मुलाकात नहीं हो पाए थे। भार साधक अधिकारी महोदया से हमने फोन में लगाया था, वो ट्रेनिंग पीरियड में थी नहीं, उन्होंने हमने जो ज्ञापन दिया था उनसे मिलने के लिए गए थे, उनसे भी जो है ना बात नहीं हो पाई हमारी। और आज भी हम जो है ना भार साधक अधिकारी महोदय के पास में गए थे तो वो आज भी जो है ना कक्ष में नहीं थी। उन्होंने ये जरूर रिप्लाई किया है कि इसमें हम देख के कार्रवाई करते हैं। भार साधक अधिकारी अनुभागीय अधिकारी राजेश जी सिवनी मंडी जी, आप लोग कुछ बताएंगे कि आप लोगों के साथ भी इस तरीके का बर्ताव है मंडी सचिव का? जी, सारे कर्मचारियों के प्रति उनका व्यवहार, मतलब जो बोलने की जो
जो लैंग्वेज है वो सही नहीं है। अधिकारी को डांटने का पूरा हक होता है, पर किसी को अपमानित करने का हक नहीं होता है। अपमानित किया जाता है, किस तरह अपमानित करते हो? अपमानित जैसे कि किसी काम को लेके, तुम कितना पढ़े हो, कौन से स्कूल से पढ़े हो, इस टाइप की बात। व्यक्तिगत तौर पर प्रश्न किए जाते हैं कार्य को छोड़कर, कार्य के लेकर। आप सभी क्या चाहते हैं, क्या उनसे किस तरीके की आपकी अपेक्षा है? सर, हमको उनसे कोई अपेक्षा नहीं, बस हम चाहते हैं कि वो उनका स्थानांतरण हो, वो यहाँ से जाए। तो स्थानांतरण तो तब हो पाएगा जब उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी होगी। सर, अभी जानकारी दिए हैं, क्योंकि चार महीने से अगर हो रहा है, एक दो दिन नहीं, चार महीने का समय बड़ा लंबा होता है, और चार महीने से अगर ये सब चल रहा है और उच्च अधिकारियों को अगर आपके द्वारा अभी तक नहीं बताया गया और अभी भी शायद ज्ञापन आपके द्वारा सौंपा गया है, तो अगर आप लोगों के साथ इस तरीके का कोई अमर्यादित व्यवहार उनके द्वारा किया जा रहा है, तो आपने क्या प्रशासन को इसकी जानकारी दी? जी सर, दी है। व्यक्तिगत तौर पर दी? जी सर, नहीं, हम गए थे सर अभी मिलने के लिए, पर अभी। व्यक्तिगत तौर पर आपके द्वारा कोई आवेदन दिया गया? जी सर, दिए हैं। आपने आवेदन व्यक्तिगत किसको दिया हुआ है? सर, हमने ना एसडीएम मैडम को भी दिया, कलेक्टर साहब को भी। एसडीएम मतलब अनुभागीय अधिकारी राजस्व, जो आपके भार साधक अधिकारी, उनको दे दिया है। भार साधक अधिकारी को भी दिया गया है। और आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? हाँ, उनका व्यवहार तो समन्वय सभी कर्मचारियों को पता है। व्यक्तिगत तौर पर मेरे से तो ऐसा भाषा का प्रयोग नहीं करते वो, और सभी कर्मचारियों की ऐसा देखने में आया है कि वो रब भाषा का उपयोग तो करते हैं। तो उनकी भाषा के संबंध में, चूंकि कलेक्टर जिले में सबसे वरिष्ठ अधिकारी होते हैं जिनकी प्रशासनिक पकड़ होती है, तो कलेक्टर सिवनी को चार महीने में आप लोगों के द्वारा कभी सूचित नहीं किया गया? नहीं, अभी तक तो अब नहीं किया, अभी पर्सनल सोर्स मिलकर जो है। और अगर उनका रवैया नहीं सुधरता तो क्या आपकी आगे की रणनीति क्या होगी, आंदोलन करेंगे, क्या होगा? हमारी आगे की रणनीति सब समस्त कर्मचारियों की यही है कि सचिव महोदय को यहाँ से स्थानांतरित कर दिया जाए। यदि इनके ऊपर जो है, इनको स्थानांतरण की कार्रवाई, हम ये सिर्फ स्थानांतरण की कार्रवाई चाहते हैं, क्योंकि उनके व्यवहार से हमारा कर्मचारी वर्ग पूरा जो है नाराज है, और विवादित प्रतिदिन दिनों दिन विवाद बढ़ते जा रहा है। इसलिए हम चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, हम चाहते हैं कि उनका यहाँ से जल्दी से स्थानांतरण कर दिया जाए और कर्मचारी अपनी पूर्ण निष्ठा से ईमानदारी से काम करते रहे। तो ये आपके और जो गतिरोध चल रहा है सचिव और कर्मचारियों के बीच, उससे तो मंडी का कार्य पूरा प्रभावित हो रहा होगा? नहीं, मंडी का कोई भी कार्य, हमारे सारे कर्मचारी पूर्ण निष्ठा से, आज भी पहले जैसा काम चल रहा था वैसे आज भी चल रहा है। किसी प्रकार का मंडी के कार्य में किसी प्रकार कोई कमी नहीं हो रही है। हमारे जो है आय आवक में बिल्कुल प्रतिदिन जो है बढ़ोतरी हो रही है, और कर्मचारी हमारे संपूर्ण कर्मचारी सारे क्षेत्र में मेहनत करके मंडी की आय और आवक में लक्ष्य से अधिक प्राप्त कर रहे हैं। इस बात की जानकारी डिप्टी सेक्रेटरी उप सचिव जबलपुर को है? जी जी जी। और मंडी के जो प्रबंध निदेशक हैं एमडी, उनको भी जानकारी दी गई है? जी जी जी। किसने उनको जानकारी दी है? आय आवक की लक्ष्य तो आय आवक नहीं, ये जो गतिरोध है, इस गतिरोध की ये अभी जानकारी हमने जो परसों के दिन जो शनिवार से जो हमारा कार्यक्रम चला है, तो कर्मचारी का सारे कर्मचारी को ये कहना था कि हम डायरेक्ट जो है जाके जो है इनके ऊपर जो है थाना जाके कार्रवाई करें, परंतु मेरा जो है ये मानना था कि सर्वप्रथम सारे अधिकारियों को सूचित करना है, इसके बाद में आगे की कार्रवाई। तो इस मामले में जनप्रतिनिधियों को, सांसद विधायक को आपने जानकारी दी, उन लोगों का क्या कहना है? उनका कहना है कि विधिवत इसमें जो है ना कर्मचारी का सम्मान होना चाहिए, कर्मचारी से कर्मचारी को। विधायक या सांसद चाहें तो वो तो आपके आवेदन देने के एक घंटे के उपरांत ही आपकी समस्या का हल हो जाता, अगर विधायक और सांसद चाहते तो। माननीय विधायक जी जबलपुर मीटिंग में थे, उनके यहाँ सारे कर्मचारी, हम 25-30 कर्मचारी, सारे कर्मचारी गए थे। माननीय विधायक जी से मुलाकात नहीं हुई, वहाँ उनको जो है पत्र दे दिया गया था आवक में, ये जानकारी दे दी गई थी। फोन लगाने पे व्यस्तता बताई जा रही थी, हमारी व्यक्तिगत पर्सनल बात नहीं हो पाई है। और हम अभी और सांसद जी के साथ, सांसद जी से ज्ञापन दिए हैं हमने, सांसद जी ने अवगत कराया है कि हम, सांसद जी से आपकी मुलाकात हुई? मुलाकात हुई है। सांसद जी ने क्या डिप्टी सेक्रेटरी आपके डायरेक्ट सीएम साहब को उन्होंने बोला है कि मैं चिट्ठी लिखूंगा और इसमें जो है ना, अच्छा इसमें भी वो पत्र लिखेंगे जी,
वो ऐसा उन्होंने सांसद महोदय सांसद पत्र लिखेंगे इस मामले में, चूंकि ये मामला कर्मचारियों और मंडी के सचिव के बीच का है, कर्मचारी और मंडी के सचिव, जिस तरह से इनका आपस में गतिरोध चल रहा है, और ऐसा नहीं कि एक कर्मचारी दो कर्मचारी इस मामले में, संपूर्ण कर्मचारी, सारे कर्मचारी आपने देखा, हर कर्मचारी का कहना ये है, अमर्यादित उनका आचरण है, अमर्यादित बात भी करते हैं, सांसद विधायक उनसे भेंट नहीं हो पाई, कलेक्टर से भेंट नहीं हो पाई, भारसद अधिकारी से भी भेंट नहीं हो पाई, सांसद से भेंट हुई, सांसद ने फिर चिट्ठी लिखने की बात कही कि वे चिट्ठी लिखेंगे, जबकि सांसद चाहें तो प्रबंध निदेशक MD से डायरेक्ट सीधे बात करके इन कर्मचारियों की व्यथा वे बता सकते थे। कर्मचारियों के द्वारा जो कहा गया वो हमने आपको बताया। आज सोमवार 4 मार्च 2024 को शाम लगभग 4 बजे है, और 4 बजे तक मंडी के सचिव यहाँ अभी भी नहीं हैं, मंडी सचिव ऑफिस में नहीं, कार्यालय में नहीं, इसलिए उनका पक्ष जाना नहीं जा सकता। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे के साथ हम फिर हाजिर होंगे और नई जानकारी लेकर हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। जय हिंद।